अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहली बात तो कि आप लोग लिटरेचर का सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो इसीलिए आगे जो सारे लेसन्स हैं ग्रामर के ही प्रॉबेबली आएंगे, तो आई होप दैट वुड नॉट बी एन इशू। इसके लिए आपको इंक्वायरी या कोई भी क्वेश्चनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और आज हम करेंगे एप्लीकेशन टू जॉइन ब्रदर्स मैरिज। एक एप्लीकेशन हम पहले कर चुके हैं और दो लेटर्स कर चुके हैं। आप लोग अपने नोटबुक्स काइंडली कंप्लीट रखें और अप टू डेट रखें, किसी भी वक्त जो है डेट आ सकती है चेकिंग की। उसके अलावा आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेके ही जो है वीडियोस में से लेटर एप्लीकेशन लिख लिया करें और जो भी ऐसे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आगे, क्योंकि समटाइम्स पिक्चर्स जो हैं वो आपको नहीं भेज पाते क्लास टीचर्स, समटाइम्स लोड नहीं हो सकती, समटाइम्स आपके आगे पीछे हो जाती हैं, समटाइम्स नज़र में नहीं आती, लेकिन वीडियोस में सारी चीज़ होती है। आप लोग काइंडली वीडियो को गौर से सुना करें और उसी में से स्क्रीनशॉट लेके अगर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए भी, और इस तरह आपका नोटबुक कंप्लीट भी रहेगा। तो एप्लीकेशन है ब्रदर्स मैरिज, कंटेंट एज इट इज़ रहेगा, उसी तरह सर को एड्रेस करेंगे और बाद वाला कंटेंट भी एज इट इज़ है, और क्लास के बिल्कुल सामने डेट और क्लास आमने सामने है। कंटेंट है उसी तरह से रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड दैट कि द मैरिज ऑफ माय एल्डर ब्रदर इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, मेरे भाई की शादी कल से है। हमेशा एप्लीकेशन जो है जाने से पहले लिखी जाती है, छुट्टियां करने से पहले, तो इसीलिए पहले इन्फॉर्म किया जा रहा है कि कल है, हमें शहर से बाहर जाना पड़ेगा, वी आर गोइंग आउट ऑफ सिटी। ठीक, काइंडली ग्रांट मी द परमिशन टू अटेंड द वेडिंग, तो आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं शादी अटेंड कर सकूं अपने भाई की। आई होप दैट कीपिंग इन व्यू माय पास्ट वर्क बैकग्राउंड, आप मेरा पास्ट वर्क बैकग्राउंड ध्यान में रखते हुए मुझे छुट्टी दे देंगे फॉर 4 डेज। पास्ट वर्क बैकग्राउंड के आप किसी टीचर को या किसी स्टूडेंट को तंग नहीं करेंगे काम कंप्लीट करने के लिए, और कोई भी लेक्चर्स जो हैं वो आपको रीडिलीवर करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, आप ख़ुद से रिकवर कर लेंगे सारा का सारा काम, और आप की वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह की बातें प्रिंसिपल को पता होनी चाहिए ताकि वो आसानी से आपको छुट्टी दे सकें, और आपका कोई भी किसी किस्म का टेस्ट में डिले या एग्ज़ाम्स में कोई कमी नहीं आएगी। अगर प्रीवियस बैकग्राउंड के थ्रू आपका ये उन्हें पता चलता है तो वो आपको आसानी से छुट्टी दे सकेंगे। आई शेल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपके बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँगा या होंगी। एज़ इट इज़ यहाँ पर आप लोगों ने अपना अपना नाम लिखना है, यहाँ और योर एविडेंटली के बाद कॉमा आएगा, नाम के नीचे आपका क्लास लाजमी है, क्लास के बिल्कुल सामने लेफ्ट पर डेट आती है। नाउ व्हाट यू पीपल हैव टू डू इज़ काइंडली टेक स्क्रीनशॉट एंड कंप्लीट योर नोटबुक्स। आई होप आप लोगों ने लेटर्स कंप्लीट कर लिए होंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा जो ग्रामर एंड यूजर बुक का है। जितने भी आप लोगों को लेसन्स करवाए गए थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रामर बुक कंप्लीटेड है आपकी, आपके 13 ही यूनिट्स हैं सेमेस्टर 1 में, तो काइंडली 13 ही करने हैं। आप लोगों ने एक्स्ट्रा काम करने के लिए आप लोगों को अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नोटबुक्स पे बिल्कुल भी नहीं किसी ने एक्स्ट्रा काम करना, सिर्फ अपना सिलेबस से रिलेटेड काम उस पर करेंगे। काइंडली कम्प्लीट योर नोटबुक्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग, अल्लाह हाफिज़।